पिताश्री, आज हमारे आंगन में जो खुशियां वापस लौट कर आई हैं, वो माँ मनसा देवी की कृपा से ही आई हैं। यदि आप माँ मनसा देवी को स्वीकार कर उनकी पूजा करेंगे तो जैसे स्वामी आ गए हैं, वैसे ही आपके 6 पुत्र भी आ जाएंगे। मेरे पुत्र का ये कैसे कैसे संभव हो सकता है? उन्हें तो हम कई वर्षों पहले खो चुके हैं। नहीं पिताजी, हम गुजर हैं। पुत्री, ये क्या किया तुमने? हाँ दीदी मनसा, ऐसा क्यों किया आपने? अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है ये मेरी ममता के विपरीत है। चंद्रधर मेरी पूजा करे या ना करे, मैं उससे उसके पुत्रों को दूर रखने का कष्ट मैं और नहीं दे सकती। पिताश्री, माँ का हृदय है माँ मनसा देवी का, आप उनकी महिमा को स्वीकार करने को तैयार नहीं, किंतु उन्होंने अपनी ममता का परिचय दे दिया आपको, आपका दुख दूर कर दिया उन्होंने। हाँ पिताजी, ये सत्य है, माँ मनसा देवी ने हम सबको सुरक्षित रखा। हाँ पिताजी, और न कोई हानि होने दी, न कभी किसी की कमी का अनुभव होने दिया पिताजी। पिताश्री, अन्यथा नहीं लीजिएगा, किंतु मेरा ये कहना अनिवार्य है, पहले आप अपने शब्दों से संपूर्ण श्रेय महादेव को देते थे, कहते थे कि जो भी हो रहा है महादेव की सहायता से हो रहा है, किंतु अब आप ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपकी भक्ति का फल है। पहले आप महादेव के प्रति समर्पित थे, किंतु अब आपके शब्दों से ऐसा लगता है पिताश्री कि महादेव को आपकी भक्ति की आवश्यकता है। पहले आप ये स्वीकार करते थे कि एक भिक्षुक में भी भगवान का वास हो सकता है, और अब आप शिव पुत्री माँ मनसा देवी को भी देवी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? बस महादेव की पूजा करते हुए देखना चाहता हूँ मैं आप सबको, और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है, फिर भी आप बार 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 मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? पिताश्री, इतना कुछ हो गया, सच जानिए, और अब तो माँ मनसा देवी को देवी रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा कीजिए। उचित कहा तुमने पुत्री, दोष मेरा ही था, किंतु अब मैं इस दोष को सुधार लूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। किंतु
मेरा दाहिना हाथ तो केवल महादेव के अभिषेक करने का अभ्यस्त है। इस हाथ से तो मैं अन्य किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकूंगा। तो मैं देवी मनसा की पूजा अपने बाएं हाथ से करूंगा। अवश्य करूंगा, मैं देवी मनसा की पूजा अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, मैं देवी मनसा की पूजा अवश्य करूंगा। तो उनकी प्रतिमा बनाने में हम सब आपकी सहायता करेंगे पिताजी। जी पिताजी। बोलो नाग माता मनसा देवी की जय। दीदी मनसा, इतने समय के बाद आज चंद्रधर ने आपकी पूजा की, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि अनुज, अभी तक ना मुझे अपनी शक्तियों में कोई बदलाव का आभास हुआ है और ना ही कोई देवता यहाँ मुझे देवी पद प्रदान करने पहुँचे हैं। ये तो उचित कहा आपने। तो चलिए ना दीदी मनसा, हम कैलाश जाकर वही पिताश्री से इसका कारण जान लेते हैं। नहीं गणेश, मैं और कोई अपमान नहीं सहूंगी। बिना आमंत्रण पाए मैं कैलाश नहीं लौटूंगी। दीदी, मैं आपका अनुज गणेश आपको कैलाश आने का आमंत्रण दे रहा हूँ। आप अपने भ्राता के साथ भी नहीं चलेंगी? मुझे निराश मत कीजिए दीदी, चलिए ना मेरे साथ कैलाश चलिए। अब कैलाश में जो होगा उसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी दीदी। कैलाश तो आ गए, वहाँ क्या होगा उसका भी दीदी मनसा को कोई अनुमान नहीं। अनुज, अब मान अपमान जो भी मिले उसे ही अपना सौभाग्य मानूंगी, किंतु देवी पद प्राप्त करने के लिए मैं किसी की भी कोई परीक्षा नहीं लूंगी। मेरे कारण किसी अन्य को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। क्या होगा क्या नहीं उसका रहस्य तो अब शीघ्र उजागर होगा दीदी मनसा। प्रणाम पार्वती नंदन। स्वागत है कैलाश में, आपका स्वागत है प्रभु, आपके स्वागत के लिए हम। हाँ हाँ समझ गया, स्वागत करते आप सभी, धूमधाम से स्वागत करते यदि आपको हमारे यहाँ पहुँचने की पूर्व सूचना होती। प्रभु कहीं है वो? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये दीदी मनसा है जया मौसी, और दीदी ये माता की बचपन की सखी मौसी जया है, सदा माता की सेवा में उपस्थित रहती है। और ये जया मौसी के पति श्रीमान पुष्पदंत जी हैं। महादेव जी का मुख्य द्वारपाल। हाँ, ये अभी मुख्य द्वारपाल नियुक्त हुए हैं। इसलिए तो आप लोगों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत हो गए। कहीं पुष्पदंत जी समय से पहले ही सारा भेद ना खोल दें, मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय करना होगा। मुख्य द्वारपाल जी। हाँ? अब यहीं खड़े खड़े बात करते रहेंगे या कुछ कार्य भी करेंगे? हाँ, उचित है, छोटे मार्ग से जाकर ये शीघ्र पहुंचेंगे। आइए दीदी। कुछ तो है जो अनुज गणेश ने मुझसे छिपा रखा है। देवी मनसा की जय। देवी मनसा की जय। देवी मनसा की जय। देवी मनसा की।
स्वागत होगा, इसकी आशा नहीं थी मुझे। कैलाश ने अपनी पुत्री को प्रसन्न कर दिया, मान रख लिया अपनी पुत्री का। माता पार्वती वो स्वयं आ रही है मेरे स्वागत के लिए। पिताश्री, प्रभु महादेव भी। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है पुत्री। मनसा देवी, 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 देवी मनसा की जय। 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 अब कहिए दीदी, ये स्वागत भा रहा है ना आपको? अनुज, तुम्हें पहले से ज्ञात था ना? ज्ञात नहीं था देवी मनसा, ये पूरी योजना ही प्रभु श्री गणेश की थी। और आप इस गुप्त योजना को खोलने वाले थे। धन्यवाद अनुज गणेश, धन्यवाद। मनसा देवी की प्रणाम। प्रणाम मित्र साहब। पिताजी, माँ। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ। मित्र साहब, अपनी सभी भूलों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्र भी कहते हो और क्षमा भी मांगते हो, क्षमा ही मांगना है मित्र। माँ मनसा देवी से मांगो। सूर्य स्वयं तप कर भी सभी जीव जंतुओं के जीवन को प्रकाशित और ऊर्जावान करते हैं। प्रतिपल दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहने वाली पुत्री मनसा देवी पद के योग्य तो सदा से थी। संसार को भी ज्ञात हो इसलिए मैंने इसकी ये परीक्षा ली और तुमने मेरे विश्वास को प्रमाणित कर दिया। पुत्री, पुत्री मनसा पूजनीय देवी अवश्य बन गई है, किंतु तुम्हारी यात्रा का अभी एक चरण शेष है। वह अवश्य पाकर ही देवी पद की उपाधि पर स्थित होगी। तब तो हमें विलंब किए बिना हवन की तैयारी करनी चाहिए। आओ पुत्री, तुम्हें तैयार करने में मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी। इधर मत लगिए, 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 ठीक है। लीजिए, ये आ गए महादेव के मुख्य द्वारपाल। हाँ, तब से महत्वपूर्ण तो यही है। महत्वपूर्ण तो है क्योंकि महादेव के हम मुख्य द्वारपाल हैं, इसलिए आप सभी की व्यवस्था की जांच करने आए। उतला जी, आसन ठीक से लगाइए। रिंगी जी, आपने हवन कुंड को उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया है। और हाँ, ध्यान से देख लीजिए, सर्व सामग्री आ गई है ना?
कुछ छूटा तो नहीं है? पुष्पदंती जी, आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, हम लोग अपना कार्य कर लेंगे। मैं कार्य में कभी पीछे नहीं हटता भृंगी जी, समय से पूर्व ही अपने कार्य को संपन्न कर लिया है मैंने। सभी अतिथियों के लिए जल की व्यवस्था कर दी है मैंने, उसमें कोई कमी नहीं होगी। महादेव का मुख्य द्वारपाल हूं तो इसलिए देखना यह मेरा दायित्व है कि सर्व कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। प्रभु, लगता है तैयारी तो पूरी हो गई। मनसा दीदी की प्रथम पूजा है आज, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार और सोच लीजिए प्रभु, सारी व्यवस्था हो गई ना? जल है, यज्ञ कुंड तैयार है, पूजा सामग्री भी अपने स्थान पर है। ओहो, एक कमी रह गई, यहाँ कैलाश में भी और वहाँ भी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही तो नहीं है? किंतु यहाँ कैलाश में और वहाँ चंद्रधर के यहाँ दोनों स्थानों पर एक साथ उसकी व्यवस्था कैसे करूँ? मिल गया उपाय। क्या प्रभु? गजानन। अद्भुत, कितनी सुंदर मूर्ति की स्थापना की है आप सबने। गजानन महाराज। प्रणाम गजानन महाराज जी, आपका स्वागत है। कल्याण हो पुत्री, लगता है कि आप सभी ने पूजा की तैयारी कर ली है। जी, किंतु गजानन महाराज, यदि कुछ छूट गया तो आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। जया मौसी, जया मौसी। क्या हुआ पार्वती नंदन, हवन और पूजा की तैयारी में कुछ रह गया क्या? मनसा देवी का प्रिय भोग। मुझे शीघ्र बताइए ना पार्वती नंदन, जो भी है मैं अभी उसकी व्यवस्था कर दूंगी। गुड़, चावल और केले के मिश्रण से बना भोग मनसा देवी को बहुत प्रिय है। पुत्री बिहुला, आप चलिए पूजा आरंभ कीजिए। आरती से पहले मैं माँ का प्रिय भोग लेकर आती हूँ। चिंता मत कीजिए पार्वती नंदन, मैं हवन के समाप्त होने और आरती के आरंभ होने से पहले ही देवी मनसा का भोग तैयार कर दूंगी। उचित है, फिर मैं सभी को हवन के लिए तैयार करता हूँ। अवश्य, मैंने आपके लिए भी कुछ बनाया है। कितनी निष्ठा से मेरी सेवा करती थी पुत्री मनसा। का स्नेह पाने का सौभाग्य तो कठिनाई से ही मिलता है। माता, आपका स्मरण सदा हो आता था मुझे। सदा मेरे स्मरण में रहती थी पुत्री। माता, आज मैं अपनी पुत्री को स्वयं तैयार करूंगी। माता, आपने तो जैसे मेरे हृदय की बात जान ली। आओ पुत्री, स्थान ग्रहण करो। सत्य है, कठिनाइयों पर विजय पाकर ही सफलता मिलती है, और मुझे गर्व है आज तुम्हें देवी पद पर देखकर। सबसे पहले माता को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए।
अब माता को लाल चुनरी चढ़ाकर उनका श्रृंगार पूर्ण कीजिए। पूर्ण हुआ, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ पुत्री। किसी की कुदृष्टि ना पड़े मेरी पुत्री पर। व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु अपने महान कर्म से आदरणीय और पूजनीय बनता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।